नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। कांग्रेस देश को बांटने की कर रही है राजनीति। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति और आबादी। कांग्रेस देश को बांटने की कर रही है राजनीति। न्यूज क्लिक वेब पोर्टल के कार्यालय व पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कई घंटे तक की छापेमारी। प्रधान संपादक समेत दो लोगों को किया गिरफ्तार। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और कानून के अनुसार करती हैं काम। किसी ने कुछ गलत किया तो एजेंसियां करती हैं अपना काम। और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पहुंची ईडी की टीम। नई दिल्ली में स्थित संजय सिंह के आवास पर ईडी ने ली तलाशी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सीतापुर के नैमिषारण्य में कहा कि मैंने 4 सालों में विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और भ्रष्टाचार खत्म करने का किया काम। मदरसा शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर तकनीकी शिक्षा को दिया जाएगा बढ़ावा। श्रीराम जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य एवं भव्य मंदिर को तय समय पर पूरा करने के लिए निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया। इसके लिए 500 कारीगरों की अतिरिक्त टीम लगा दी गई है। और अयोध्या में 100 दिन 100 होटल कॉन्क्लेव का किया गया आयोजन। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य अयोध्या में धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और अयोध्या आने वाले पर्यटकों को रहने और खाने की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि जमीन कब्जे की शिकायत पर विधि सम्मत करें कठोर कार्यवाही। हर पीड़ित को दी जाए तत्काल मदद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सभी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुए विवाह समारोह को ही कानून की नजर से माना जा सकता है वैध। हाई कोर्ट ने कहा सप्तपदी हिंदू विवाह का अनिवार्य अंग। प्रदेश के किसानों के कुशीनगर में एक विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। धनराशि की गई स्वीकृति। सीएम योगी ने कहा कि कृषि को उत्तम साधन बना रही है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेती को उत्तम रोजगार बनाने के लिए कर रही है काम। गोरखपुर में कृषि विज्ञान केंद्र का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंसेफेलाइटिस प्रदेश में हुआ काबू, जल्द ही इससे पूर्णतः समाप्त कर उन्मूलन की जाएगी घोषणा। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य भवन के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से प्रदेश के सभी अस्पतालों में बेड की स्थिति को जाना। कहा बुखार से पीड़ित व्यक्ति को किया जाए अस्पताल में भर्ती, दवा की नहीं है कोई कमी। राजधानी लखनऊ में 10 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी जल क्रीड़ा गतिविधियां। प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने कहा कि लखनऊ में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्व पर्यटक स्थलों को संवारा जा रहा है। यूपी पुलिस को साइबर फॉरेंसिक एवं साइबर सिक्योरिटी में प्रशिक्षित करने तथा इस क्षेत्र में उन्हें दक्ष बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए शुरू होगा अभियान। लखनऊ में 19 अक्टूबर को 22 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ का किया जाएगा आयोजन। शेष भारत ने 3 दिन में ही ईरानी कप को किया अपने नाम। रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र को 175 रनों से हराया। आईसीसी ने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 202 के लिए वैश्विक राजदूत घोषित किया। मास्टर ब्लास्टर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उद्घाटन मैच से पहले विश्व कप ट्रॉफी के साथ बाहर निकलेंगे।
एशियाई खेलों में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी अनुरानी। अनुरानी ने जेवलिन थ्रो में 62 मीटर के अपने सीजन बेस्ट थ्रो के साथ ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता।